देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के शामली में शुगर मिल पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों किसानों के साथ मिलकर हंगामा किया। किसानों ने शुगर मिल गेट पर धरना देते हुए बकाया गन्ना भुगतान दिए जाने की मांग की है। शामली शुगर मिल पर किसानों का किसान 125 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है, जिसके विरोध में आज यह धरना दिया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि शुगर मिल उनके गन्ने का भुगतान समय से नहीं कर रहा है, जिससे उन्हें उनके परिवार के पालन पोषण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि बिजली का भुगतान समय से नहीं दिया जा रहा है, इसके कारण बिजली अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि शामली शुगर मिल पर क्षेत्र के किसानों का 125 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान बकाया है, जिसका शुगर मिल ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। अपने बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने शामली शुगर मिल के गेट पर बैठकर धरना दिया है। किसानों का कहना है कि शुगर मिल उनके गन्ने का समय से भुगतान नहीं कर, जिससे उनका परिवार भुखमरी की ओर बढ़ रहा है। किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारी समय पर बिजली का भुगतान किसान द्वारा न किए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मामला हमारा ये है कि हमारा जो गन्ना है वो सरकार तो ये कह रही थी कि हम 14 दिन में पेमेंट कर देंगे, लेकिन 120 करोड़ रुपए अभी बताया है। इतना बका हमारा है, हमारे बच्चों की जो है शादी पढ़ाई, उनकी जो है फीस जूते, कुछ नहीं हो रहा। हमारा किसान जो है बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया सरकार ने, और हमारा किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा, और जब तक हमारा पेमेंट नहीं होगा यहाँ से हम हिलने वाले नहीं है। हंगामा कौन कर रहा? किसान अपना बकाया गन्ना भुगतान लेने के लिए आए, शामली जिले में बिजली विभाग FIR कर रहा, एक जे लगभग 50 FIR कर रहा, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ का शासन सख्त हो रहा। बकाया गन्ना भुगतान लगभग 120 करोड़ रुपए इस मिल में बकाया, 15 नवंबर के बाद में कोई भुगतान नहीं हुआ, और किसान अपना भुगतान लेने के लिए आया। यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं, सब भाग गए, हम यहाँ इसके बारे के बैठे, मिल चल रहा चलेगा, मिल सुचारू रूप से चालू रहेगा, ऑफिस इनका बंद रहेंगे। भाई गन्ना भुगतान करो, हमारा गन्ना भुगतान दो। सरकार ने दावे करे थे कि 14 दिन के अंदर किसानों का भुगतान होगा, अब नवंबर से देख लो, जो पिछले सत्र का भुगतान था उसका ब्याज नहीं अब तक मिला, इस सत्र का भुगतान है वो नहीं मिल रहा, जो मैं ब्याज गन्ना भुगतान करे सरकार। जी हाँ, हमारी शामली चीनी मिल जो है जनपद की, ये गन्ना में भुगतान में थोड़ा पीछे है। अभी इन्होंने केवल 22 दिन का भुगतान किया है, अभी 7 दिन का भुगतान आज या कल में हम भिजवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और काफ़ी दबाव बना जा रहा है क्योंकि चीनी का रेट काफ़ी डाउन होने की वजह से और चीनी की सेल ना होने की वजह से मिल पिछड़ गई है, लेकिन हम पूरा दबाव बना रहे हैं। समय से भुगतान न करने का मेन कारण क्या? मेन कारण ये है क्योंकि शामली चीनी मिल की बैंक लिमिट नहीं है। बैंक लिमिट होती है, अगर कोई बैंक से पैसा मिल जाता वो जो है तत्काल गन्ना मूल भुगतान में दिया जाता है, क्योंकि इनके पीछे कुछ ज़्यादा घाटे हो गए थे चीनी मिल को पिछले 2-3 सालों में, उसकी वजह से इनकी जो है नेटवर्थ माइनस में हो गई, जिससे बैंक ने इनको क्रेडिट लिमिट देने की जो है मना कर दिया, उसकी वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।